मतलब लोग देखो इसको लाखों किलोमीटर चला लेते हैं फिर भी गाड़ी मस्त धनाधन चलती है। मतलब मेरे फ्रेंड के पास भी अर्टिगा है तो भाई ने अपने 2-3 लाख अपनी चला ली है। और ये जो गाड़ी है ना ज़्यादातर तो अपने ऐसे टूरिंग में अपनी यूज़ होती है और स्पेशली जो व्हाइट कलर है ये ज़्यादा अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स में अपना यूज़ होता है। बाकी अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अपना लेना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अब अपने अर्टिगा को खरीदने के लास्ट सीजन की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि हो जाती है इसके। हाय गाइस, मैं हूं जय चौधरी। आज भाई आपके लिए अर्टिगा के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आए। आज मैं आपको एक कार खरीदने के खास अपने रीजंस बताने वाला हूं। अपने रीजंस टू बाय वाली सीरीज है ये। जनरली देखो मैं ये वीडियो अपने ड्राइव करते करते बनाता हूं, पर आपको तो पता ही है कि यार अर्टिगा की टेस्ट ड्राइव यूनिट्स अपने शोरूम पर कार रहती है, ये अपनी कार इतनी डिमांड में रहती है। आज आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाले हैं कि ये कार आपके लिए किसी का चॉइस होने वाली है। सारी खास खास बातें आज अपन इसकी करने वाले हैं, तो फटाफट से गाइस हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं भाई उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। जय श्री महाकाल भाइयों। बाकी आप कैसे देख रहे हो एक बार कमेंट करके आप जैसे बताना। अब देखो सबसे पहले आपको उसका अपना वेरिएंट बता देता हूँ कि अपना कौन सा वेरिएंट है। तो ये अपना CNG वेरिएंट है जो कि अपना VXI में आता है। अब इसमें कुछ अपना नए अपडेट्स भी आए तो वो भी आपके साथ अपना शेयर कर देंगे। एक तो इसमें देखो VXI प्लस अपना हट गया और VXI ऑप्शनली अब इसमें अपना रहेगा। तो ये अपना VXI वेरिएंट है CNG में। इसकी कंप्लीट ऑनरोड प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे सिटी में 12.75 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ रही है। बाकी आपको और भी कुछ इंक्वायरी लेनी हो तो आप यू कार्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी देख कर तो गाइस आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि अपना VXI वेरिएंट है, इसमें हमने 1 लाख रुपये की सीरीज भी लगी। बाकी अब अपन कार को खरीदने के सबसे पहले रीजन की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि हो जाता है इसका माइलेज। मतलब इस सेगमेंट में यार देखो ये जो अपनी इकलौती 7 सीटर अपनी MPV आती है तो ये आपको देखो बहुत ही अच्छा माइलेज दे देती है स्पेशली अपने CNG में। CNG में आपको देखो ये 26-27 तक का भी माइलेज निकाल देती है और पेट्रोल में आपको ये 19-20 का भी दे देती है। तो इतना बढ़िया इसमें अपने को माइलेज मिल जाता है कि यार ये इसका सबसे मेन रीज़न बन जाता है इस कार को खरीदने का। अगर देखो अर्टिगा को सबसे ज़्यादा लोग अगर लेते हैं तो वो अपने CNG में ही लेते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वेरिएंट भी अपना VXI रहता है। जो कार अभी आप सामने देख रहे हो ना ये अपने सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। तो माइलेज तो गाइस आपको अपना बहुत अच्छा अपना मिल जाता है। इतनी अच्छी लंबी कार से अपने को इतना अच्छा माइलेज मिल जाए, 7 सीटर कैपेसिटी के साथ इतना अच्छा माइलेज मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। और अपन चलते हैं इस कार को खरीदने के दूसरे रीजन की तरफ जो कि हो जाता है भाई इसका इंजन। ये आपको हुड ओपन करके बता देते हैं। अब देखो मारुति का अपना 1.5 लीटर का इतना रिफाइंड और रिलायबल 4 सिलेंडर इंजन है तो वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। रिफाइनमेंट तो आपको इतनी गजब की अपनी मिल जाती है ना। और देखो अर्टिगा ऐसी गाड़ी रही है स्टार्टिंग से, इसका इंजन तो सबसे मेन रहा ही है। मतलब लोग देखो इसको लाखों किलोमीटर चला लेते हैं फिर भी गाड़ी मस्त धनाधन चलती है। मतलब मेरे फ्रेंड के पास भी अर्टिगा है तो भाई ने अपनी 2-3 लाख अपनी चला ली है और आज भी गाड़ी बहुत सही अपनी चल रही है। तो इंजन तो देखो इसका काफ़ी अपना स्मूथ तो रहता ही है। इस गाड़ी का गाइस मार्केट में अपना इतने सालों से ट्रस्ट बना हुआ है तो सबसे मेन रीज़न इसका इंजन हो जाता है। लंबे समय तक ये गाड़ी आपका अच्छा खासा साथ देने वाली है। लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई से अपनी 7 सीटर कार लेना प्लान कर रहे हो तो आपके लिए अर्टिगा अपनी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अपना रहने वाला है। कि लुक्स के मामले में देखो अपनी बढ़िया लगती है, जब से इसके ऐसे लुक्स आ गए हैं ना और जब से इसकी ग्रिल वगैरह चेंज कर दिए, जब से इसके लुक्स अपने और इनहांस हो गए हैं। और कलर ऑप्शंस भी आपको इसमें काफ़ी अपने बढ़िया बढ़िया मिल ही जाते हैं। स्पेशली जो इसका ब्लैक कलर है ना वो तो यार बहुत ही तगड़ा लगता है। देखो ज़्यादा डिटेल में अपनी वीडियो में बता नहीं रहा हूँ आपको, सारे मेन रीजंस में अपना बता रहा हूँ। तो आपको माइलेज एंड अपना इंजन तो बता दिया, अब अपन चलते हैं इसके तीसरे सबसे मेन रीजन की तरफ तो जो हो जाता है इसका कम्फर्ट। ये आप देखो यार मतलब 7 सीटर प्रॉपर तो अपनी रहती ही है, आपने को बढ़िया सा डैशबोर्ड भी अपना मिल जाता है तो साथ ही में आपको प्रीमियम फील भी दे देगी। और मैं तो देखो पहले भी इसकी वीडियो काफ़ी अपनी बना चुका हूँ तो बढ़िया देखो अपने ड्राइव करने भी मस्त रहती है और साथ ही आपको कम्फर्ट भी अपना अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर एज वेल एज अपने को पैसेंजर के लिए भी अपना कम्फर्ट अच्छा रहती ही है। और सबसे बढ़िया बात तो देखो मेरे को सेकेंड रो की लगती है। अब ये देखो कितना बढ़िया लेगरूम मिल जाता है और थाई सपोर्ट भी अपना अच्छा है। 3 लोग तो देखो बड़े आराम से यहाँ पर अपने बैठ जाते हैं और साथ ही में आपको इसमें अपना आर्मरेस्ट वगैरह भी अपना मिल जाता है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको अपने मिल जाते हैं। तो पीछे देखो 3 लोग अपने बहुत आराम से अपने एडल्ट्स भी अपने बैठ जाते हैं और साथ ही में जो अपनी थर्ड रो है ना वहाँ पर भी देखो अपने को ठीक ठाक स्पेस अपनी मिल जाती है। तो एकदम दबा दबा तो आपको अपना पीछे अपना फील होगा नहीं। एक तो देखो इसमें ग्लासेस इतने अपना बड़े बड़े आते हैं ना, ये देखो कितना बड़ा ग्लास अपना दे रखा है और क्वार्टर ग्लास भी देखो इसका अपना काफ़ी बिग साइज का है। तो देखो ऐसा अपने को सफोकेशन तो अंदर बिल्कुल भी अपना फील नहीं होता है अगर अपन इसमें थर्ड रो में भी अपने बैठते हैं। और सेकेंड रो में तो सब अपना बढ़िया है ही सही। अब देखो ये जो गाड़ी है ना ज़्यादातर तो अपने ऐसे टूरिंग में अपनी यूज़ होती है और स्पेशली जो व्हाइट कलर है ये ज़्यादा अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स में अपना यूज़ होता है। बाकी अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अपना लेना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके दूसरे कलर लो, जैसे कि अपना ब्लैक कलर हो गया है। ब्लैक कलर तो आप सच में क्या तगड़ा लगता है, मेरे चैनल पर आप वीडियो भी ब्लैक कलर की देख सकते हो। ब्लैक कलर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी बस ये बात है कि उसको मेंटेन करके अपने को अच्छा खासा अपना रखना पड़ता है। बाकी इसके अपने और भी अच्छे अच्छे कलर आ जाते हैं तो वो भी आप अपने ले सकते हो। बाकी ट्रेवल्स में सबसे ज़्यादा ये गाड़ी यूज़ हो रही है तो
उसका यही अपना मेन रीजन है कि कंफर्ट इतना अच्छा मिल जाता है, ऊपर से इतना बढ़िया इंजन है, कहीं भी गाड़ी अपने को धोखा नहीं देती है, माइलेज इतना अच्छा देती थी, इसलिए गाड़ी अपनी टूर्स एंड ट्रेवल्स में मस्त धनाधन अपनी चलती है। बाकी अब हम चलते हैं इस गाड़ी को खरीदने के फोर्थ रीज़न की तरफ, जो कि हो जाता है इस गाड़ी का लो मेंटेनेंस। एक तो देखो, एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अपने को इतनी सेवन सीटर अपनी एमपीवी अपनी मिल जाती है, ऊपर से माइलेज अपना अच्छा रहता है, तो जेब पे ज़्यादा अपनी भारी भी नहीं रहती है, ऊपर से इसकी सर्विस कॉस्ट भी ऐसी कुछ अपनी ज़्यादा रहती नहीं है। आप मान के चलो कि आपकी फर्स्ट सर्विस सेकेंड सर्विस में भी ऐसा कुछ ज़्यादा अपना खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैं खुद अपनी मारुति की अपनी कार ओन करता हूँ वेगनार, तो सर्विस रिलेटेड तो कुछ अपना ज़्यादा ऐसा मेंटेनेंस अपना रहता नहीं है। एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स आपका इसमें सर्विस कॉस्ट भी अपना कम रहने वाला है और लो मेंटेनेंस ही अपनी मारुति की गाड़ियों का रहता है, कि जितने भी पार्ट्स वगैरह ना वो भी इससे कुछ ज़्यादा अपना कॉस्टली नहीं आते हैं अगर अपन दूसरे ब्रांड से अगर अपन कंपेयर करें तो। अपन अपने लास्ट रीजन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी उससे पहले मैं आपको थोड़ी इसकी साइड प्रोफाइल भी चेकआउट कर देता हूँ, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस की अपन बात कर लेते हैं। बाकी अंदर से तो मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट अपना कवर कर ही लिया है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अपने को सफिशिएंट अपना मिल जाता है, कहीं भी आपको दिक्कत तो अपनी आएगी नहीं, कहीं से आपकी गाड़ी अड़ेगी नहीं। बाकी फ्रंट में अपने को डिस्क रहती है और रियर में तो आपको इसमें अपने ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं, और रियर प्रोफाइल भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी देखो लुक के मामले में काफ़ी अपनी सही लगती है। सबसे मेन तो देखो अपनी बूट स्पेस भी हो जाती है, बाकी ये अपनी सीएनजी वाली है तो इसमें आपको थोड़ा यहाँ पर हम्प रहता है, बाकी पेट्रोल वाली में तो फुल अपनी का अच्छी खासी खाली स्पेस यहाँ पर रहती है, फिर भी यहाँ पर अपने दो तीन बैग चार बैग तो यहाँ ऊपर तक अपना में रखा ही जाएंगे, तो चलो कोई दिक्कत है ही नहीं। सेवन सीटर के हिसाब से तो फिर भी अपने को बूट स्पेस अपनी अच्छी इसमें मिल जाती है। बाकी चलो छोटी मोटी चीज़ें अपन यहाँ की भी कवर कर लेते हैं, तो आपको इसमें अपने हेलोजन में प्रोजेक्ट आ जाता है वीक साइप है, और साथ ही में रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट भी अपनी दे रखी है, ज़्यादा आपको लाइट से भी अपना कॉम्प्रोमाइज़ तो वैसा करना नहीं पड़ेगा। इस अब अपन अर्टिगा को खरीदने के लास्ट सीजन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि हो जाती है इसकी अपनी रीसेल वैल्यू। ये गाड़ी देखो रीसेल वैल्यू सच में बहुत ही गजब की है, एक तो मार्केट में अर्टिगा का इतना नाम बना हुआ है और ऊपर से इतना रिफाइंड और रिलायबल इंजन अपने को इसमें मिल जाता है, तो आप सालों साल ये गाड़ी चलाओगे उसके बाद सेल करोगे ना, तो फिर भी आपको रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अब देखो ये अपना नया मॉडल तो आ ही गया है, पर आज भी आप सड़कों पर देखोगे कि जो पुराने लुक के साथ जो अर्टिगा आती थी ना, वो भी आपको काफ़ी सड़कों पर देखने मिलेगी, और उसकी भी रीसेल वैल्यू आज अच्छी अपने को मिल जाती है, तो इसकी तो आपको और अच्छी अपनी मिली जाएगी। मतलब अगर आपका देखो अगर आप 5-6-7 साल भी चलाते हो उसके बाद अगर सेल करोगे तो फिर आपको इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो ये भी इसको खरीदने का सबसे अपना मेन रीज़न हो जाता है। तो देखो मैंने सारे 5 मेन रीज़न आपको बता दिए हैं, वैसे तो गाड़ी में और भी अपनी खास बातें, और अगर लास्ट में अगर मैं आपको अगर नेगेटिव बताऊं तो वैसे देखो इस गाड़ी में से कुछ ज़्यादा अपना बड़ा नेगेटिव अपन निकाल नहीं सकते, बस काफ़ी लोग अपने इसके बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड ही अपना नेगेटिव निकालते हैं। सारे खास मैंने आपको बता दिए, बाकी और आपको अर्टिगा कैसी लगती है कॉमेंट करके जो से बताना। 12 से 13 लाख के बीच में अगर कोई सीएनजी में स्पेशली 7 सीटर कार लेना प्लान कर रहे हो, तो फिर अपने लिए अर्टिगा हर मामले में देखो अपनी बढ़िया हो जाती है, माइलेज, कंफर्ट, लुक्स, इंजन, लो मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, सब में आपके अपनी बढ़िया रहेगी। बाकी वीडियो का अपन यही एंड करते हैं, आपको मेरा कंटेंट अपना अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब नहीं करते तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट चैनल का सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।